जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं करंट फीलिंग्स के लिए, तो आज हम फिर से करंट फीलिंग्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं। और करंट फीलिंग्स में क्या होता है कि बहुत सारी बातें मैच करती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी से कॉपी करता है, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कोई किसी से कॉपी कर रहा है, तो डियर करंट फीलिंग्स है, तो अगर आप किसी और का भी वीडियो देख रहे हैं तो कुछ बातें तो मैच करेंगी ना, तो समझदारी बना कर रखें और अपना ख्याल जरूर रखें। तो आप जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए जिनके बारे में आपको ये रीडिंग देखनी है, उनके बारे में सोचकर, और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। डियर, आपकी जन्म तारीख हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है FROTKLJSBONKUY, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है फायर साइन मेष सिंह धनु राशि, और एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। इसमें आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि अब बहुत लोगों की ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आपके पार्टनर अभी आपसे बात ना कर रहे हो, अभी आपका नो कॉन्टेक्ट चल रहा हो, अभी आपकी इनसे ज़्यादा बात ना हो रही हो। हो सकता है कि ये आपसे खुद ही दूर गए हों, आपसे बात बंद करके, आपसे गुस्सा करके, लड़ाई झगड़े करके आपसे अभी दूर गए हों। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि इनकी ज़िंदगी में कोई और हो जिसकी वजह से ये आपको समझ ना रहे हो। तो डियर, आप बहुत परेशान रहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत कॉल मैसेज कर रहे हो, आप इनके आने का इंतज़ार कर रहे हो, अभी तक ऐसा ना हुआ हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अब आपको लगता है कि ये वैसे नहीं है जैसा हमने सोचा था। तो डियर, आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी इनकी ज़िंदगी में ऐसे ज़िंदगी के खेल चल रहे हैं जैसे ये खुद के हिसाब से चल ही नहीं रहे, इन्हें कोई और नचा रहा है, ये किसी और के इशारों पे नाच रहे हैं, जो जैसा कह रहा है वो वैसा ये कर रहे हैं। तो डियर, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी सक्सेस होने के लिए ज़िंदगी में आगे किसी और की तरफ बढ़ के गए हों। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एकदम से जैसे होता है ना रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, तो ऐसा डियर ये चाहते हैं। ये सोचते हैं कि इनके जो सारे अरमान हैं, जो सारी ख्वाहिशें हैं, वो रातों रात पूरी होने लगे, सब कुछ ये मतलब पल भर में चाहते हैं। तो डियर, हो सकता है कि अब इन्हें ऐसा लगता हो कि आपसे दूर हो जाना ठीक है, कोई ऐसा इनकी ज़िंदगी में है जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कि वो इंसान ज़्यादा स्टेबल हो, तो ये अभी उनके इशारों पे नाचना चाहते हैं। अभी इनकी ज़िंदगी में इस तरह की उथल पुथल मची हुई है कि ये कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे,
अपने हिसाब से ना ये जी पा रहे हैं, ना अपने हिसाब से चल पा रहे हैं। अब वो जैसा बोल देते हैं वैसा ये करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया कि रात के 12 बजे तुम्हें कहीं जाना है, तो फिर इन्हें जाना है। इन्हें खाने पीने का टाइम, सोने उठने का टाइम, कुछ भी मतलब पता नहीं है। ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी इनकी है, लेकिन चल किसी और के हिसाब से रही है। इसी वजह से आपके रिश्ते में इतना सब कुछ मतलब नेगेटिव हो रहा है। तो डियर, अभी जो इन्हें दिख रहा है ना, वो सिर्फ पैसा दिख रहा है और ज़िंदगी में एकदम से आगे बढ़ने की रास्ते दिख रहे हैं। तो डियर, ये एकदम से सक्सेस होना चाहते हैं। अभी हो सकता है कि ये जिसकी बातों में आ रहे हो वो इन्हें पसंद ना हो। जैसे हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा सुंदर हो, आप ज़्यादा अच्छे हो, आप ज़्यादा समझदार हो, आप इनकी ज़्यादा फीलिंग्स को समझते हो। लेकिन आजकल लोग कद्र कहा करते हैं सच्चे प्रेम की। तो बस कुछ इनकी ज़िंदगी में भी इसी तरह से चल रहा है कि अभी इन्हें जो सच्चा प्रेम मिला है ना, उसकी इन्हें कद्र नहीं है। अभी इनको बस नेम फेम, बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान, बस ये सब कुछ दिख रहा है। अभी इन्हें अपनी ख्वाहिशें दिख रही हैं, आपका कुछ भी नहीं दिख रहा इन्हें। और अगर ये आपसे बातें कर रहे हैं, तो सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब किसी और के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ भी ये रिश्ते में रहना चाहते हैं, आपको भी खोना नहीं चाहते। ये दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, मुखौटे लगा कर ज़िंदगी जी रहे हैं। आपसे जो बातें करते हैं वो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। इन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आपको कैसे मनाना है। आप मान जाएंगे, आप इनकी मजबूरी को समझेंगे, आप इनकी मतलब दो बात प्रेम से जो दो बात करते हैं ना, जैसे आप उसके भूखे बैठे हैं। अगर यही चीज़ कोई और आपके साथ कर दे, अगर अभी ऐसा कोई और आपके साथ करे, तो आप उससे पल भर में रिश्ते ख़त्म कर लेंगे। लेकिन इनके साथ आप ऐसा कर नहीं पा रहे। और आपको पता है, ये आपका इस्तेमाल करते ही जा रहे हैं। जब इन्हें सुकून चाहिए होता है, इन्हें कोई नहीं समझता, तो इन्हें लगता है कि बस टाइम मिला है तो आपकी तरफ बढ़ जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि उस रिश्ते को ये खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। उस रिश्ते में अगर कोई शक आती है, कोई गलतफहमी आता है, तो सब कुछ मतलब ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये खुद झुक जाना चाहते हैं उस रिश्ते में, ये खुद झुक जाना चाहते हैं और सब कुछ ठीक करने के लिए माफ़ी भी मांग लेते हैं। आपके साथ ऐसा कभी नहीं किया होगा, लेकिन ये उनके साथ सब कुछ करना चाहते हैं। जैसा आप चाहते हैं ना कि आप इनसे माफ़ी मांगते हैं अगर आपकी गलती नहीं होती है, तो कभी ये भी आपको समझे। देखिए, आपके साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन ये जिसके साथ रिश्ते में हैं अभी, ये उनके साथ ऐसे ही हैं। आप ये समझ लीजिए कि किसी और के इशारों पे नाच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ इनकी लाइफ में जिम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े से मजबूर हो सकते हैं। अभी आप समझ लीजिए कि इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। हाँ, हो सकता है कि बहुत पैसा हो, बहुत कुछ हो, सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हों, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून इनकी ज़िंदगी का खो चुका है। और जो इनकी ज़िंदगी में है वो भी इनके लिए सच्चे नहीं है। बस आप ये समझ सकते हैं कि ये अभी अंधे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और आप अगर इन्हें कुछ समझाने की कोशिश भी करेंगे ना, तो ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे। ये अभी आपको किसी भी लेवल पे मतलब सुना सकते हैं, आपको कुछ भी बोल सकते हैं। अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया छूट जाए, लेकिन जो ये मेरा रास्ता है, ये जो मेरा पार्टनर है, या फिर जिसकी वजह से ये ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये उसे नहीं छोड़ना चाहते। अभी इन्हें कुछ भी दिख नहीं रहा है, किसी को भी छोड़ दे सकते हैं। तो डियर, अगर आप इन्हें बहुत कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो आप अपनी ही इज्जत नहीं कर रहे, आप अपनी ही कद्र नहीं कर रहे हैं। तो आप इन्हें थोड़ा सा कम कॉल मैसेज करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि ये आप पे नज़र नहीं रखना चाहते, ये आप पे नज़र रखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इनके लिए वही कर रहे हैं जो ये चाहते हैं। अगर आप इनको पाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से चलिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचिए, तो डियर ये आपके पास वापस आ सकते हैं। क्योंकि अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जा नहीं सकते, आप इन्हें कभी छोड़ नहीं सकते, आप इन्हें कभी भूल नहीं सकते। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हर एक इंसान इनकी तरफ खींचता है, इन्हें ऐसा लगता है कि
ये इतने स्मार्ट हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं ये मेल हो फीमेल हो, डियर आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान इनकी तरफ खींचा चलाएगा। तो डियर इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर नहीं जा सकते, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ नहीं सकता, और आप ऐसे ही इनको दिखा रहे हैं। इनको जितनी अटेंशन चाहिए आपसे, उससे ज़्यादा आप इन्हें दे रहे हैं। आप इनकी हर एक गलती को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा एक दूसरा रास्ता तो हमेशा खुला रहता है। अगर यहाँ सब कुछ ठीक रहा तो ज़िंदगी मेरी सब कुछ अच्छी है, अगर नहीं ठीक रहा तो फिर मेरा दूसरा रास्ता खुला हुआ है। तो डियर इस वजह से ये आपको नहीं समझते हैं। जब इन्हें लगता है तो ये आपको कॉल कर लेते हैं, और बहुत स्ट्रांग है कि हो सकता है कि ये आपको रात में भी कॉल कर लेते हो, दिन में भी कॉल कर लेते हो, जब इन्हें ज़रूरत होती हो तब ये आपको कॉल कर लेते हो, आपसे बात कर लेते हो। लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तब ये आपको कॉल मैसेज नहीं करते होंगे, तब इनके पास टाइम नहीं होता होगा, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें कैसे मनाना है, इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपको कैसे अपने इशारों पर नचाना है। तो डियर समझदारी दिखाइए, अपनी ज़िंदगी में भी कुछ अलग करिए। हर किसी के इशारों पे आप गलत तरीके से नहीं घूम सकते। जब इनकी गलती होती होगी या कोई बात हो जाती होगी, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोचते होंगे, तो ये माफ़ी मांगने चले आते होंगे, आपसे माफ़ी मांगते होंगे, आपको मनाने की कोशिश करते होंगे, आपको टाइम देते होंगे। ऐसा नहीं है कि इनके पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके पास टाइम नहीं है कि ये आपसे बात कर नहीं सकते, क्योंकि आपको बस इतना इंतज़ार रहता है कि इनके बारे में आपको पता चल जाए। ये ज़्यादा ना सही पर थोड़ा सा तो टाइम दे। तो डियर ऐसा नहीं है कि इनके पास टाइम नहीं रहता, इनके पास टाइम होता है, लेकिन अगर आप इन्हें ये दिखाएंगे कि आप भी अब इनसे दूर हो रहे हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो डियर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, आपको टाइम देंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन्हें ये दिखाएंगे कि आप इनके लिए रो रहे हैं, आप इनको छोड़कर किसी और के साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो डियर ये जल्दी से आपके पास लौट कर नहीं आएंगे, ये आपके पास नहीं आएंगे, ये दूसरों के इशारों पर नाचेंगे और आपको अपने इशारों पर नचाएंगे। आप ये समझ लीजिए, इनकी ज़िंदगी में कोई भी रियल फेस नहीं है, सारे फेक फेस हैं। आपको कभी भी अगर इनसे सोचेंगे कि इनका असली चेहरा आप पहचान चुके हैं, तो ये आपकी भूल होगी। ये हर किसी के सामने एक जैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा इनके चेहरे हैं। इन्हें लगता है कि यहाँ से मतलब पूरा हो रहा है तो फिर दूसरी तरह के ये इंसान बन जाते हैं, मतलब हर तरह से ये बनने की कोशिश कर लेते हैं। इन्हें झूठा दिखावा भी आता है, झूठी दिखावा भी कर लेते हैं, झूठा प्रेम भी दिखा लेते हैं, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो डियर आप इनसे सिर्फ इतना रिश्ता रखने की कोशिश करें कि आप तक इन तक सारी खुशियां पहुँचें। जैसे आप खुश हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऐसे मैसेज आप इन्हें पहुँचाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे मैसेज पहुँचाएंगे तो डियर ये वापस आ जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपके प्रेम को देख कर वापस आ जाए, कि आप कब से इनके लिए रो रहे हैं, आप कब से इनके लिए तड़प रहे हैं, आप इनके प्रेम में पागल हैं, तो ये लौट कर नहीं आएंगे। ये दो ही तरह से आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे कि इनसे बेहतर आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाए तो इन्हें लगेगा कि आपके पास लौट जाना चाहिए, तो इन्हें एहसास होगा। अगर आप बहुत स्टेबल हो जाए, अगर आप बहुत स्टेबल हो जाए और इन्हें ऐसा लगे कि आपसे इनकी ख्वाहिशें, आपसे इनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में बने रह सकते हैं। आपको ये हमेशा खोने से डरने लगेंगे। अगर आप सोच रहे कि आपका प्रेम देखकर लौट कर आएंगे, तो डियर इनकी ज़िंदगी में सच्चा प्रेम नहीं है, ये अपनी फैमिली से भी सच्चा प्रेम नहीं करते हैं, आप ये समझ लीजिए। अगर इनका मतलब किसी और से पूरा होता हुआ दिखेगा और इनकी फैमिली उसके खिलाफ आएगी तो ये उसे भी छोड़ देंगे। इनकी ज़िंदगी में सच्चा प्रेम नहीं है, ये किसी से कभी सच्चा प्रेम नहीं करते हैं। और बहुत स्ट्रांग मैसेज है अभी जो इनकी करंट फीलिंग्स है, तो ये बहुत सुनाए जा रहे हैं। जितनी बड़ी इनकी ख्वाहिशें हैं ना, उतना ज़्यादा इन्हें सुनाया भी जा रहा है। कोई यूँ ही इनके लिए बहुत कुछ कर नहीं रहा है, कोई यूँ ही इनके लिए बहुत कुछ कर नहीं रहा है। हो सकता है ये किसी से शादी करने के बारे में सोच रहे हो, वो ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि बस ये इंसान से शादी हो जाए तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी मतलब
नेम फेम की वजह से, उसके मतलब वो बहुत अच्छे पैसों की वजह से, उनकी फैमिली की वजह से, तो ये उनसे शादी करना चाहते हैं, पर वो इनको इतनी कदर नहीं करते कि ये इनके पास बने रहें। वो भी चाहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान की तलाश है जो मेरे कहने से चले, जो मेरे कहने से सब कुछ काम करे। तो डियर, अगर आप बहुत स्टेबल हो जाते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे इनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, जो इनके बहुत बड़े बड़े अरमान ख्वाहिशें हैं ना, वो पूरे हो सकते हैं, तो डियर ये आपके पास वापस लौट कर आ सकते हैं, क्योंकि अभी इन्हें ऐसा लगता है कि तुमसे मुझे मिल ही क्या सकता है। और कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये आपके सच्चे कभी नहीं हो सकते, ये उसके भी सच्चे नहीं हो सकते जिसके साथ अभी रिश्ते में है, उसे भी धोखा दे सकते हैं। बस एक बार उस पर इनका पूरी तरह से काबू हो जाए, एक बार वो इंसान भी इनके लिए पागल हो जाए, एक बार वो इंसान भी इनके लिए इसी तरह से रोना शुरू कर दे, उसे भी इनसे सच्चा प्रेम हो जाए, तो डियर ये उसके साथ भी गेम खेलना शुरू कर देंगे। आपको पता है जब फ़ोन में नेट ख़त्म हो जाता है ना, तो अधिकतर लोग पुराने वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, पुराने मतलब जो मेमोरीज़ है उसे देखना शुरू कर देते हैं, या फिर फ़ोन में गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो डियर इसी तरह से ज़िंदगी में भी है, जब ज़रूरतें और प्रेम ख़त्म हो जाता है ना, तो लोग उसमें गेम खेलना शुरू कर देते हैं, फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो है या फिर नहीं है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता। तो डियर इनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही है, आप अगर इन्हें चाहते हैं वापस पाना, तो आप मेडिटेशन करिए और अपने करियर में बहुत सक्सेस होने की कोशिश करिए। एक टाइम वो भी आ जाएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, ये इंसान मेरे लिए नहीं है। तो डियर प्लीज़ आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस होने की मेहनत करिए, आपको उसी से सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए, आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की, आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव रहें और बहुत सारी सफलता प्राप्त करें, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा हो। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल, फरवरी, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है JITNIFLBUKADSCPO, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ, आपकी भी हो सकती है या फिर जिनके लिए देख रहे हैं आप ये उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 9 तारीख, 4 तारीख, 15 तारीख, 3 तारीख, 1 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 25 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख। डियर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपके रिश्ते में कहीं जाने की प्लानिंग हो रही हो सकता है, प्लानिंग हो रही हो या फिर ये खुद ही अकेले कर रहे हो, ये आपको कहीं ले जाना चाहते हैं या फिर आपसे मिलने आना चाहते हैं। हो सकता है कि आपसे दूर रहते हो तो ये आपसे मिलने आना चाहते हो। अच्छा ये भी है कि अभी आप बहुत अकेलापन फील कर रहे
हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड स्टेटस लगा रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना लग रहा हो, तो डियर ये हो सकता है कि आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहे हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं अगर आप इनसे रूठे हुए हैं तो। ये आपके लिए मतलब पॉजिटिव इंसान है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है। हो सकता है कि आपको इनको मतलब सोच कर ही बहुत सुकून मिलता हो, आपको ऐसा लगता है कि बस मुझे ये इंसान चाहिए, इससे मिलकर, इसे देखकर, इससे बात कर, बात करके जो भी सुकून मिलता है ना, वो मुझे कभी किसी से नहीं मिलता। एक अलग अटैचमेंट है, अलग अट्रैक्शन है, मतलब अलग ही सुकून है आपको इनसे मिलकर। ये कोई भी हो सकते हैं, ये फैमिली में भी कोई हो सकता है या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, इनसे आपको अलग सुकून महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया कंप्लीट हो जाती है अगर ये आपके साथ होते हैं। आपको ऐसा लगता है सुख दुख में मुझे बस यही चाहिए, सुख हो तो भी मुझे इनके बिना कमी अधूरी सी लगती है, जैसे कुछ कमी सी है, वो सुकून नहीं है, वो बात नहीं है। आप मतलब अपने सुख में भी इनको याद करते हैं और दुख में भी आप इनको याद करते हैं। ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर हो सकता है डियर कि इनसे आपकी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हों, लेकिन फिर भी इनसे आपका पूरी तरह रिश्ता ना ख़त्म होता हो। कभी आप मान जाते हो तो कभी ये आपको मना लेते हो, मतलब रूठना मनाना आपके रिश्ते में तो हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उतने ही मतलब आप लोग एक दूसरे को मनाना भी जानते हैं। आपका रिश्ता नहीं टूटता है किसी के भी आने से, किसी के भी जाने से आपका रिश्ता ख़त्म नहीं होता। हाँ, गलत फहमियाँ हो सकती हैं लेकिन रिश्ता नहीं टूटता है। तो डियर, ये आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो डियर, ये आपके बारे में सोचते बहुत हैं। हो सकता है कि दिखावा ना करते हों, ज़्यादा आपको बताते ना हों, जैसे बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपके आसपास हो, वो आपकी फ़िक्र जताते हों, आपको बहुत दिखावा करते हों, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाते होंगे। पर हाँ, ये आपके लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं। हो सकता है कि अभी ये इतने स्टेबल ना हों कि आपके लिए कुछ कर सके, पर इनकी हर एक खुशी में सबसे पहले आपका जिक्र होता है। इनकी दुनिया जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में हों, ऐसे लोग भी हों जो इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हों, लेकिन ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपको जताते ना हो, आपको बताते ना हो, हो सकता है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता हो कि इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर डियर ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप भी इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और ये भी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। डियर, इन्हें दिखावा करना नहीं आता, बस इतनी सी बात है, इन्हें दिखावा करना नहीं आता। आप ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए किसी को भी मतलब छोड़ सकते हैं अगर वक्त आए तो, जैसे आपके लिए भी बहुत ज़रूरी हो इनका होना और किसी और के लिए भी हो, तो डियर ये आपके लिए पहले बहुत कुछ करना चाहेंगे, बाद में किसी और के बारे में सोचेंगे। ये भी आपको पाकर बहुत सुकून महसूस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो ना, तब से मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया है। हो सकता है कि इनके पास बहुत पैसे हो, बहुत कुछ हो, लेकिन इनकी लाइफ में सुकून ना हो। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, आप बहुत देर से मिले हो इन्हें, पर सब कुछ होने के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कुछ कमी सी थी। बहुत घूमते फिरते होंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी इनकी ज़िंदगी में कुछ कमी सी थी। आपके आने के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि वो कमी कम हो गई है। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी बात ना होती हो तो आपको लगता है कि इन्हें समझ नहीं आता, ये कभी आपको समझ नहीं पाते, पर डियर ये आपको समझते बहुत हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये ट्विन सोल रिश्ता हो सकता है। ट्विन सोल का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से भी प्रेम कर रहे हैं, वो इंसान आपको छोड़ कर जा रहा है, वो इंसान आपसे प्रेम का दिखावा नहीं कर रहा, वो इंसान आपको नहीं समझ रहा और फिर भी आपको लग रहा है कि वो आपके ट्विन सोल है। ट्विन सोल कनेक्शन वो होता है कि दोनों तरफ से दोनों को एनर्जी मिरर होती है। कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाए, कितनी भी बातचीत हो जाए, मगर फिर भी उस रिश्ते में वो दूरियाँ नहीं आती जो रिश्ते को ख़त्म कर दे।
आप 1 साल बात नहीं करेंगे, 10 साल बात नहीं करेंगे, लेकिन दिल से वो नफ़रत कभी नहीं निकलती कि अब वो मुझे इंसान मिले तो उससे हम बात नहीं करेंगे, उसे हम देखेंगे नहीं। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होने लगता है। तो डियर, साइन मैच होते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि आपको उनकी बहुत याद आ रही है, आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा ही किसी कार्मिक पर्सन के साथ भी फील हो सकता है। क्योंकि जब शुरुआत में वो आते हैं ज़िंदगी में तो अच्छा फील कराते हैं, बहुत अच्छा फील कराते हैं, बहुत फिक्र करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता फिर भी वो टाइम देते हैं, बहुत बिजी होते हैं फिर भी वो आपसे बात करते हैं। तो डियर, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा ट्विन है, हाँ ये मेरा ट्विन है, ऐसे सारे साइन मुझे अपने पार्टनर से मैच करते हैं। डियर, पर ट्विन कितनी भी दूर हो जाए, कितनी भी गलत फहमी हो जाए, पर वो आपका बुरा नहीं कर सकते, आपको गलत नहीं बोल सकते, आप पे गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ट्विन आपके हो या फिर ना हो, आपकी उनसे मतलब शादी हो या ना हो, पर वो आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं बोल सकते। आज के टाइम में क्या होता है कि जब तक सारी बातें नहीं हो जाती, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक बहुत प्रेम होता है। जब नया नया प्रेम होता है, नया नया प्रेम हुआ, पहली पहली बार हुआ, कुछ ऐसा होता है ना, तब तक उन्हें लगता है कि हाँ मेरी दुनिया तुम ही हो, बहुत सारे वादे भी कर लेंगे, बहुत सारी कस्में भी खा लेंगे, बहुत सारे लोग तो चोरी छिपे शादी भी कर लेते हैं। बाद में क्या होता है कि उसी इंसान से इतनी नफरत हो जाती है कि वो इंसान को देखना पसंद नहीं करते। और आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत सारी बातें बोल देते हो, उल्टे सीधे शब्द बोल देते हो, आपसे पीछा छुड़ाने के लिए आप पे गलत इल्ज़ाम भी लगा देते हो। तो डियर, ये ट्विन सोल रिश्ता नहीं हो सकता। आप सही से पहचानने की कोशिश करिए, क्या आप सच में ट्विन सोल रिश्ते में हैं या फिर कार्मिक रिश्ते को ही आप ट्विन समझ रहे हैं। और वो भी ट्विन सोल जो रिश्ता होता है वो एक तरफा नहीं होता, वो दोनों तरफा होता है, उससे भी फील होता है। वो भी इंसान आपसे दूर नहीं रह सकते, वो भी इंसान कितना भी आपसे दूर रहने की कोशिश करे लेकिन उसे याद आने ही लगती है। अगर आप कुछ कर रहे हैं उनके लिए, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी याद में रो रहे हैं, तो डियर उन्हें आपकी याद आएगी। वो आपसे दूर होने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी आपका हाल जानने की भी कोशिश करेंगे। वो ऐसा दिखाएंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको कॉल मैसेज करेंगे और बोल देंगे कि गलती से लग गया। गलती से नहीं लगता, वो दिखाना नहीं चाहते कि हाँ उन्हें आपकी फ़िक्र हो रही है, लेकिन वो आपकी फ़िक्र करते हैं। अभी हम आपको बताएं ट्विन सोल रिश्ते के बारे में। जो हमारी सिस्टर है स्पिरिचुअल लव 111 चैनल है, तो डियर उस पे हम कमेंट में बहुत सारे कमेंट देखते हैं। कभी कभी हमारे पास जब टाइम होता है तो हम उसमें देखते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमारे ट्विन हो। हमारी सिस्टर हमारी दीदी से बोलते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं कि आप हमारे ट्विन हो, आप हमारे ट्विन हो, हमें आपके साथ ट्विन सोल कनेक्शन फील होता है, हम आपके लिए बहुत सोचते हैं, आप हमारे सपने में आते हो, आप हमारे ख्वाबों ख्यालों में बने रहते हो, आपका ख्याल मेरे दिल दिमाग से जाता ही नहीं है। अब अगर एक हो तो समझ में आता है, पर उसमें एक नहीं बहुत सारे लोग होते हैं। अब हमें समझ में नहीं आता कि इतने सारे ट्विन कहाँ से आ जाते हैं, उनके मतलब रोज़ जैसे एक नया ट्विन हो जाता है। इसे ट्विन सोल रिश्ता नहीं कहते, इसे ये कह सकते हैं कि हाँ आप हमें अच्छे लग रहे हो, हमें आपसे बहुत प्रेम हो रहा है, हम मतलब बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, मगर इसे ट्विन सोल रिश्ते का नाम नहीं दे सकते। कि सामने वाला आपको जानता भी नहीं, सामने वाला आपके लिए कुछ फील भी नहीं कर रहा, और ज़बरदस्ती आप सोच रहे हो कि ट्विन सोल हम रिश्ते में है। तो अब ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, अब हमें ये लगता है कि क्या हम इनको क्या बताएं, हम तो जन्म से उनके साथ हैं, तो हम तो कह दें कि फिर हम ट्विन सोल रिश्ते में हम खुद हैं, अलग होते हैं साथ रहते हैं, अब ज़िंदगी भर साथ हैं, तो मतलब लड़ते झगड़ते साथ रहते हैं, तो हमें लगता है कि हम उनके ट्विन हैं। अब आप लोग बहुत सारे कमेंट में मतलब देखिएगा जाके, उनके मतलब बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें आपके साथ ट्विन सोल कनेक्शन फील हो रहा है। ट्विन सोल कनेक्शन फील हो रहा है तो फिर मेडिटेशन करो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करो। वो तो करना नहीं है कि अगर मुझे किसी के लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है तो हम कुछ अच्छे रास्ते पे चलें, जिससे हम अपनी आत्म उन्नति कर सकें, जिससे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कर सकें। लेकिन नहीं,
उन्हें बात करना है, उन्हें कमेंट में बहुत प्यार भरी बातें लिखनी है। जो ट्विन्स वाले रिश्ते में होते ना, वो जताते दिखाते नहीं है, वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करते। ट्विन्स वाले रिश्ता जो होता है वो आध्यात्मिक यात्रा के लिए ही बना होता है, उससे स्पिरिचुअल जर्नी का लेना देना बहुत कुछ होता है। ताकि आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं तो फिर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करें, आगे बढ़ें, अपने इनर वर्क को कंप्लीट करें। लेकिन नहीं, जब तक वो सोच रहे हैं कि कमेंट करते हैं, बात करते हैं, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, वरना भूल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। अभी इन्हें कोई और मिल जाए ना, तो ये किसी और के साथ ट्विन सोल रिश्ता फील करने लगेंगे। डियर ट्विन सोल रिश्ता ऐसा होता है कि जिसके आने के बाद कभी किसी और के लिए कुछ फील होता ही नहीं है। अब ये जो आपको समझना होगा कि आपको आपके पार्टनर के साथ कैसा फील होता है, आपका पार्टनर आपके लिए कैसा है, ये कमेंट बॉक्स वालों की तरीका ट्विन सोल रिश्ता मत समझ लेना, ठीक है? कि आपके पार्टनर को कुछ फील नहीं होता, आपका पार्टनर आपकी कदर नहीं करता, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको उनसे प्रेम है। आप एक ही सोल का दो हिस्सा नहीं है, आप उनका काउंटर पार्ट नहीं हो सकते, वो आपके नहीं हो सकते। अगर उनको भी आपका मतलब वो सब कुछ फील होता है, आपकी एनर्जी उन्हें मिरर होती है, आपको भी उनकी बहुत याद आती है, कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाते हो लेकिन वो आपको भूलते ना हो, वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आते हो, वो आपकी ज़िंदगी में बिना मतलब बिना स्वार्थ के हो, आपसे कोई मतलब नहीं है, वो आपसे ज़्यादा स्टेबल है, वो आपकी खुद आपकी मदद कर देते हो लेकिन वो आपको कभी छोड़ कर ना जा पाते हो। वो आपकी ज़िंदगी में आकर आपसे बोलते हो कि मुझे तुम्हारी याद आती है, पर ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी याद आती है तो मुझसे मिलो, तुम्हारी याद आती है अब तुम मुझसे रात दिन बात करो, नहीं। हो सकता है कि वो आपसे मतलब अच्छे से बात करते हो, आपको समझते हो, आपके सुख दुख को समझते हो, आपकी एनर्जी को महसूस करते हो, तो डियर आप समझ लीजिए कि आप ट्विन सोल रिश्ते में। पर हाँ, ये जो पाइल है ये ट्विन सोल रिश्ते की है, ये ट्विन सोल रिश्ते की है, बस आपको समझना है कि आप अपने ट्विन सोल रिश्ते में हैं या फिर नहीं है। हो अगर आप नहीं हैं तो आप समझ लीजिए कि ये किसी और के लिए भी रीडिंग हो सकती है, पर ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ट्विन सोल रिश्तों वालों के लिए है, ठीक है? तो आप समझने की कोशिश करिए कि आपका किससे ट्विन सोल कनेक्शन है। ये कोई भी हो सकता है, अगर आप फैमिली के लिए देख रहे हैं तो ये वो भी हो सकते हैं, फैमिली में भी हो सकते हैं ट्विन सोल कनेक्शन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि ट्विन सोल अपने मम्मी पापा ही नहीं होते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जैसे सोल मेट, इसी तरह से ट्विन भी हो सकते हैं, जिसके बिना आपको मन नहीं लगता, जिसे आप कभी खोना नहीं चाहते, आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनके साथ कनेक्शन में रहना चाहते, तो आप समझ लीजिए कि आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं, ठीक है? अटैचमेंट अलग है, प्रेम अलग है, इसी तरह से सोलमेट कनेक्शन अलग है, ट्विन सोल अलग है, कार्मिक कनेक्शन अलग है, ठीक है? और ये जो आपके पार्टनर है, ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, ये आपके बिना जीना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि अभी आपके रिश्ते में कुछ गलत फहमी चल रही हो, तो ये उसे ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपके किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी बातें ख़त्म हो और आपका रिश्ता ठीक हो जाए, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। डियर, ये इस वक्त ऐसी एनर्जी में है कि आप जैसा चाहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो डियर, आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम ईश्वर का है, ईश्वर को ही करने दीजिए, वो आपके लिए बेहतर करेंगे, ठीक है? तो आप ज़्यादा मत सोचिए, आपके लिए सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, ऐसा कर